नरेंद्र जी, नमस्कार जी। ठीक है अभी आप? बढ़िया जी। अभी आप कैसे, अपना एक बारी बताएंगे कैसे आप हॉस्पिटल आप पहुंचे और आपका इलाज कैसा क्या हुआ उसके बारे में कुछ? एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, नरेंद्र मेरा छोटा भाई है। इसका 7 तारीख को फेब में एक्सीडेंट हो गया था, तो सडनली थोड़ा इमरजेंसी में हम लोग एरिट हाउस में लेके आए थे। तो यहाँ पे इमरजेंसी में तो स्टाफ ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, विद इन अ मिनट अपने को इमरजेंसी में एडमिट किया। फिर उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र अहलावत, जो कि पानीपत का काफी अच्छा जाना पहचाना नाम है, हरियाणा में दिल्ली तक के भी पेशेंट यहाँ पे रेफर होके आते हैं एरिट हाउस में, तो हम सेटिस्फाइड हैं। अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, आज इसको डिस्चार्ज मिल रहा है और हम हाउसकीपिंग स्टाफ से लेके नर्सिंग से लेके डॉक्टर्स की हर चीज से हम सेटिस्फाइड हैं। कोई आपकी कंप्लेंट या कोई ऐसा इशू रहा हो डाइट का या मेडिसिन का कोई? हम लोग तो इवन अप्रेज करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, हम लोग रात को 3 बजे तक भी एक बेल पे यहाँ पे नर्सिंग अवेलेबल था, डॉक्टर ने कॉल कोई दिक्कत थी तो रात को इमरजेंसी से हमारे पास मिलने आ रहे थे, तो वेरी मच सेटिस्फाइड विद ऑल स्टाफ, डॉक्टर्स नर्सिंग एंड हाउसकीपिंग आल्सो। खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी आपको? जवानी में ऐसा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डाइट आपको अपना नॉर्मली लेना है, ठीक है, और अपना हल्का खाना खाना है, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लेना है, अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, घर पे नॉर्मल डाइट लेना है, ठीक है। बिल्कुल, हम लोग आपके टच में रहेंगे, जैसा जैसा भी आप हमें गाइड करोगे हम पेशेंट को यहाँ पे दिखाते हुए रहेंगे और हम लोग रेफर भी करेंगे कि कल कोई क्रिटिकल कोई पेशेंट आता है तो यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हैं और हर टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल है। थैंक यू स्टाफ, थैंक यू मैम।